आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानिशी और आप देख रहे हैं KSN 24। KSN 24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जिला सत्र न्यायालय में 70वें संविधान दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिला सत्र न्यायालय में 70वें संविधान दिवस मनाया गया। मॉब लिंचिंग एवं पर्यावरण को विशेष महत्व देते हुए चर्चा किया गया तथा जानकारी दी गई तथा कैसे बचाया जाए पर्यावरण को, इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया गया, जिसमें हाईकोर्ट के जस्टिस और बलौदाबाजार के जस्टिस तथा अधिवक्तागण उपस्थित थे। बलौदाबाजार के सभी अधिवक्तागण बड़े ही उत्साह से संविधान दिवस को मनाया। उसके बाद सभी लोगों ने अतिथियों के विचारों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बलौदाबाजार कलेक्टर, SP जिले के अधिवक्तागण, प्रोफेसर, शिक्षक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो प्रिविलेज जो बार का है एक कोई टॉपिक लेके डिस्कशन करने का, लॉ डे मींस जिस दिन ये अडॉप्ट किया गया था, जैसे डॉक्टर विनीता अग्रवाल उन्होंने बताया, एक्सप्लेन व्हाट इज दी ये लॉ डे का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। तो ये जो आज का जो आयोजन था संविधान दिवस पे, वो मॉब लिंचिंग पे था और पोल्यूशन पे था। और ये मॉब लिंचिंग शुरू हुआ था आज से 300 साल पहले वर्जीनिया में, अमेरिका में। और एक विलियम लिंच थे, वो एक श्वेत लोगों के प्रतिनिधि थे और उनके द्वारा ऐसे अश्वेत लोगों के विरुद्ध हिंसा को प्रोत्साहन दिया गया जो उनके सत्ता को चुनौती देते थे। उस समय कोई कानून नहीं था, इसलिए लोगों को उतनी जागरूकता नहीं थी, वो प्रतिरोध नहीं कर पाते थे। लेकिन आज 300 साल बाद जब इतने कानून हैं, न्यायालय हैं, नियम बने हुए हैं, किसी भी बात के लिए लोग जो भी एजेंसी है उसकी सहायता ले सकते हैं, उसके बाद ये जो स्थिति बनी है कि भीड़ हिंसा कर रही है, बिना सुनवाई के लोगों को दंड मिल रहा है, तो ये जो धारणा है ये हमारी संविधान की भावना के एकदम विपरीत है। और इसी के लिए एक जागरूकता के रूप में आज ये आयोजन किया गया था ताकि भविष्य में किसी भी तरह की हिंसा को हम रोक सकें। और दूसरी जो बात थी कि जो प्रदूषण है उसको भी रोकने के लिए हमको अपना आत्मनियंत्रण करना पड़ेगा, हमको अपना उपभोग कम करना पड़ेगा, और जितना भी कम से कम हो हम उपभोक्तावाद को बढ़ावा देंगे तभी ये प्रदूषण रुक पाएगा। KSN 24 न्यूज़ के लिए बलौदाबाजार से मुकेश कुर्रे की रिपोर्ट।